हेलो फ्रेंड, मैं दीपक उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स। तो फ्रेंड, आज हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं बंधन बैंक लिमिटेड शेयर का टेक्निकल एनालिसिस। तो अपने आप देख सकते हैं बंधन बैंक के स्टॉक में कंटिन्यू हमें यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड, अभी हमें यहाँ पर क्या डिसीजन लेना चाहिए इस पर हम करेंगे चर्चा और आपको बताएंगे फ्रेश एंट्री के लेवल, टारगेट और स्टॉप लॉस। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप देखिएगा आपके सामने यहाँ पर जो चार्ट प्रेजेंट किया गया है डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट, यहाँ पर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट करते हुए आपको शो कर रही है। यदि हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो स्टॉक का जो सपोर्ट है मेन सपोर्ट 210 रुपए पे हमें दिखाई देता है और अभी फिलहाल की अगर बात की जाए तो जो ये रेड कलर की लाइन है 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन, इससे यहाँ पर ब्रेकआउट मिल चुका है और ये ब्रेकआउट यहाँ पर सस्टेन हो चुका है। अब यदि बात करें तो इसके पहले भी मैंने आपको बाइंग दिया था जिस दिन यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था और अभी फिर मैं कहूँगा कि आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, लेकिन आपका जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा सा बड़ा रहने वाला है। यहाँ पर नीचे की तरफ 245 रुपए के आसपास आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट की अगर बात करें तो यहाँ दो टारगेट मुझे दिखाई दे रहे हैं जहाँ तक हो सकता है। पहली चीज आप यहां पर समझिएगा, ये जो डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है 275 पे निकल करके आ रही है, यहां तक जाने के बाद स्टॉक में कोई रिवर्सल आने के चांस मुझे दिखाई देते हैं कि यहां से भी कोई रिवर्सल हो सकता है। क्योंकि यहां पर आप देखिए इसके पहले यहां पर रेजिस्टेंस था और कई सारे सपोर्ट हमें यहां पर दिखाई दिए कंसोलिडेशन के साथ, ये देखिएगा। तो फ्रेंड, यहाँ से आपको एक रिवर्सल दिख सकता है और यदि यहाँ से स्टॉक ऊपर चला जाता है तो फिर आपको टारगेट यहाँ पर बहुत अच्छा दिखाई देगा 315, जो कि आप यहाँ पर देखेंगे इसके पहले स्टॉक ने 315 रुपए का हाई लगा करके ही इतनी बड़ी गिरावट दिखाई थी। तो फ्रेंड, यदि आप यहाँ पर एंट्री करते हैं तो 275 को बिल्कुल रडार पर रखिएगा। 275 के आसपास से यदि कोई रिवर्सल दिखे तो इमीजिएटली टारगेट को बुक करेंगे और यदि यहाँ से ब्रेकआउट होता है तब तो आप यहाँ पर 315 रुपए तक का भी टारगेट यहाँ पर रख सकते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया यदि आप यहाँ पर बाइंग करते हैं तो यहां पर आपका स्टॉप लॉस क्या है 244-245 के आसपास लगभग, और ऊपर की तरफ देखा जाए तो 315 रुपए तक का टारगेट, लेकिन उसके बीच में एक जगह है 275 जहां से आपको रिवर्सल दिख सकता है, तो उस समय उसे डर पर रखना। यहां पर अगर कोई रिवर्सल दिखे तो इमीडिएटली यहां पर ही आपको टारगेट बुक करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड, ये था हमारा टेक्निकल व्यू बंधन बैंक शेयर को लेकर के, जहां पर अगर आप बाइंग करते हैं तो एक बड़ी रिस्क आपको लेना होगी स्टॉप लॉस की, और ऊपर की तरफ जो टारगेट है वो दोनों मैंने यहां पर मेंशन कर दिए। स्टॉप लॉस की रिस्क को समझते हो यहां पर डेफिनेटली एंट्री कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि लॉस बियर करने की कैपेसिटी होने के बाद ही आप यहां पर क्या करेंगे, एंट्री करेंगे प्रॉफिट के लिए। तो फ्रेंड, ये था हमारा टेक्निकल व्यू बंधन बैंक लिमिटेड शेयर को लेकर के। इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।